हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शजी अली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन बेस्ट एआई इमेज जनरेटर टूल्स के बारे में सिखाने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और इन तीनों टूल्स को आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हो, और इन टूल्स से जनरेट की हुई इमेजेस को आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी आसानी से यूज कर सकते हो। आपको कभी भी कॉपीराइट इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर टाइप करना है Adobe Firefly Beta। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी हमारा फर्स्ट AI इमेज जनरेटर टूल ओपन हो गया। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से साइन इन कर लेना है। इसमें आप किसी भी गूगल या फेसबुक अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ नीचे कुछ AI टूल्स देखने को मिलेंगे। ये सारे टूल्स काफी काम के हैं। इनमें से जनरेटिव फिल AI टूल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज का टॉपिक हमारा टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है, इसलिए मैं इस टूल को ओपन कर लूंगा। अब ये जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सब इसी टूल से जनरेट की गई है। अभी अपनी इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिखना होगी। दोस्तों, AI इमेज जनरेट करने के लिए हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो अभी यहाँ अपनी प्रॉम्प्ट लिखना होगी। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक करते हैं। अभी ये टूल रेंडम इमेजेस जनरेट करेगा, मगर इन ऑप्शन को यूज करके पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इमेज टाइप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इनमें से अगर आप कोई स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल में कलर टोन, लाइटिंग और कंपोजिशन का ऑप्शन भी शामिल है। सो अभी मैं फोटो स्टाइल पर इमेज जनरेट करता हूँ। अभी यहाँ प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, तो मैं सिंपल जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। कुछ सेकेंड्स बाद हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। अभी आप इस टूल के मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आए तो रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करके आप मजीद रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट इमेज जनरेट करने के लिए आपको अच्छी से अच्छी प्रॉम्प्ट लिखना होगी। अभी मैं इस प्रॉम्प्ट में मजीद डिटेल ऐड करता हूँ। अभी ये प्रॉम्प्ट पहले से ज्यादा डिटेल में हो गई है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर इस टूल के अमेजिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में डिटेल ऐड करने से इमेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। दोस्तों, कोई भी इमेज जनरेटर टूल हो, आप इसमें जितनी डिटेल से प्रॉम्प्ट देंगे, इसके रिजल्ट्स इतने ही अच्छे होंगे। सो अभी बात करते हैं आज के सेकेंड टूल के बारे में। दोस्तों, इस टूल को यूज करने के लिए आपने गूगल में टाइप करना है lexica.art। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ये इस टूल का होम पेज है। इस टूल को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ से साइन इन कर लेना है। यहाँ नीचे इस टूल से जनरेट की हुई इमेजेस आप देख सकते हैं। इस टूल से जनरेट की हुई इमेजेस भी काफी कमाल की हैं। अपनी इमेज जनरेट करने के लिए आपने जनरेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स में अपनी प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं इस टूल में वही प्रॉम्प्ट लिखता हूं। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दें। अभी आप इस टूल की रिजल्ट्स देख सकते हैं, और अगर आप इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर दें। दोस्तों, इन दोनों टूल्स में से आपको किस टूल के रिजल्ट्स ज्यादा पसंद आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है ब्लू विलो AI। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी हमारा इमेज जनरेटर टूल ओपन हो गया है। दोस्तों, ये टूल अभी तक तो फ्री है, शायद फ्यूचर में पेड हो जाए। और इस टूल को आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हैं। इस टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये इस टूल का होम पेज है। अभी सबसे पहले आपने यहाँ डिस्कॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करके डिस्कॉर्ड के जरिए लॉगिन कर लेना है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड पर अकाउंट नहीं बनाया तो बना लें। इस पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है और अगर आपको डिस्कॉर्ड के बारे में जानना है तो यूट्यूब पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से अकाउंट बनाना भी सीख सकते हैं। मेरा डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपल यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ सर्वर क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी 2-3 सर्वर क्रिएट किए हुए हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं न्यू सर्वर क्रिएट करता हूँ। इसके लिए आपने यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब क्रिएट माई ऑन पर क्लिक कर दें। इसके बाद इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ आप सर्वर नेम और प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अभी हमारा सर्वर कंप्लीट हो गया है, अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ सर्च बार में रॉकी टाइप करना है। इसके बाद यहाँ नीचे इनमें से किसी भी चैनल को ओपन कर लें। अब यहाँ आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब इमेज जनरेट करने के लिए आपने यहाँ इस बॉक्स में अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है। दोस्तों हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इमेज जनरेट करने के लिए इस टेक्स्ट को मॉडर्न लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट बोलते हैं। सो अभी यहाँ मैं अपनी प्रॉम्प्ट लिखूंगा। इस मैसेज बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपने ये चीज जरूर लिखनी है, या आप सिर्फ स्लैश लिखते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें फिर अपनी प्रॉम्प्ट लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ अ यंग बॉय डूइंग वर्कआउट नियर द रिवर। इसके बाद इंटर कर दें। चंद सेकंड्स बाद हमारे रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे V1, V2, V3 एंड V4। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो इनका मकसद है ऊपर दी हुई चारों इमेजेस में से किसी भी एक इमेज के मजीद रिजल्ट्स जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें ये फर्स्ट वाली इमेज पसंद आई है और इससे रिलेटेड हमें और भी इमेजेस चाहिए तो इसके लिए V1 वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसी इमेज से रिलेटेड हमें 3 और इमेजेस मिल गई हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन है U1, U2, U3 और U4, इसका मकसद सिंपल सा है कि आपको इनमें से जो भी इमेज पसंद है इसको ओपन करने के लिए आप इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लास्ट वाली इमेज पसंद है तो मैं U4 वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब इसको आप यहाँ से ओपन करके अपने पास सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस टूल में आप जितनी अच्छी और डिटेल से प्रॉम्प्ट लिखेंगे रिजल्ट्स इतनी ही अच्छी आपको मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग किस किस्म की इमेजेस जनरेट कर रहे हैं और इनकी प्रॉम्प्ट्स देखकर आप काफी कुछ सीख भी सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और किसी भी नए AI टूल के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें।